सेक्स वीडियो देखने में बहुत मजा आता है, और ऊपर से परमेश्वर क्या बोलता है, देख ले बेटा देख ले, जिस दिन तेरी आयु के दिन पूरे होंगे उस दिन तुझे आग से नमकीन करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा। अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हो और अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और सांसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा तो उसका क्या हाल होगा? उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा। अगर आप पाप करते ही रहोगे और यीशु से माफी मांगोगे नहीं और यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाओगे तो आपका क्या हाल होगा, अभी आपको आगे बताया जाएगा। यीशु का भयानक दिन नजदीक आ गया है और बहुत जल्द भागने वाला है, इसलिए आप यीशु के पास लौट आओ, अपने पापों से छोड़कर पतोबा करके अपनी, वरना आपकी लाश इस पृथ्वी पर पड़ी रहेगी मसीह विरोधी के दिन में, खाद के समान पड़ी रहेगी मसीह विरोधी के दिन में, इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 वर्ष में। अभी समय है, यीशु के पास लौट आओ और बचा लो अपने आप को नर्क की आग से। आपको पता होना चाहिए आपकी आत्मा इस धरती के नीचे चली जाएगी, आपकी लाश इस धरती के ऊपर पड़ी रहेगी और उन लाशों को कोई उठाने वाला ना होगा, वे खाद के समान पड़ी रहेंगी, उनको कोई मिट्टी ना देगा, आपका शरीर खाद के समान इस पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। अगर यीशु के साथ रैप्चर में नहीं गए तो कुछ न कुछ पाप करके रह गए, अगर फंस गए मसीह विरोधी के दिन में तो ऐसा ही हाल होगा जैसे निर्मिया 16:1 में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। किसके पास पहुँचा? निर्मिया भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। किस स्थान की बात कर रहा है परमेश्वर? जिस स्थान में आप लोग रह रहे हो, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा न उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। इसलिए सुख ने लुक्का की पुस्तक में भी कहा है, जैसे जैसे लुक्का 23:25 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्थान जिन्होंने दूध न पिलाया। इसलिए यीशु ने कहा है, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। जिस स्थान में आप लोग रह रहे हो भैया, उस स्थान की यहोवा परमेश्वर बात कर रहा है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली और अगर आपके बच्चों ने इस पर विश्वास नहीं किया और इनकी लाशें मसीह विरोधी के दिन में खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे तलवार से मारे जाएंगे, महंगी से मारे जाएंगे और इनकी लोथे आकाश के पक्षियों और सब मैदान के पशुओं का आहार होंगी, उनकी लाशें जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे और लोगों को मार डालेंगे। इसलिए इसके साथ जरूर चल जाना, जैसे निर्मिया 9:22 में लिखा हुआ है, तू कह यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद के ऊपर पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं और उनको कोई नहीं उठाएगा। आपने देखा होगा जब धान काटे जाते हैं, यानी रबी की फसल काटी जाती है, तो बालियां टूट टूट कर पीछे गिरती हैं और उनको कोई नहीं उठाता है, वैसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी और उनको कोई उठाने वाला ना होगा, उनको कोई नहीं उठाएगा, उनको कोई मिट्टी ना देगा। उस समय आप लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाओगे, कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का सारा प्रकोप सारा क्रोध इस धरती पर रहने वालों पर भड़कने वाला है। आपको एक बार ही चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का, इसलिए यीशु जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है। मेरे प्रिय, ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है कि कोई भी प्राणी नाश हो परमेश्वर ये नहीं चाहता है। अगर आप यहाँ रह गए तो आपके शरीर को जानवर दोच फाड़ कर खाएंगे और आपको फाड़ डालेंगे। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि एक दूसरे को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। समय कम बचा हुआ है और भैया दिन बुरे हैं, यह सब कब होगा अभी आपको आगे बताया जाएगा, और वीडियो में बने रहें लास्ट तक। जैसे प्रकाशित वाक्य 6:7 में लिखा हुआ है, और जब उसने चौथी मोहर खोली, किसने खोली? मेमने ने खोली, यीशु मसीह ने खोली, तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया
की तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर मरी पीड़ा देने वाली ऐसी बीमारी है परमेश्वर भेज देगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा और वन पशुओं के द्वारा लोग मारे जाएंगे। सब पृथ्वी के वन पशु आपको फाड़ नोच कर खाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हाहाकार मचता जाएगा इस पृथ्वी पर। जैसे यहेजकेल 7 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक बड़ी विपत्ति आती है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। बोले तो 7 साल का महाभारी क्लेश काल का वह देश विनाश के तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया है, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का नहीं वरन उल्लाड़ ही का दिन होगा। और थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप भोंडेलूंगा और तेरे चाल चंद के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा, मैं तेरी चाल चंद के अनुसार फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे सब घिनौने पाप तुझे बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, दंड देने वाला ईश्वर। देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका है, छड़ी फूल चुकी है, अभिमान फूला है। अगर आपको कोई गंदी लत लगी हुई है मेरे प्रियो, तो धीरे धीरे करके छोड़ दो और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, वरना यहाँ पर रह गए तो जानवर आपको फाड़ नोच कर खाएंगे और मार डालेंगे। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।